टॉपिक को समझने से पहले हम समझ के लेंगे कि इंडिया में कैसे ट्रेडिशनली जो ड्रग्स है वो यूज किया जाते हैं। प्राचीन काल में ज्यादातर लोग हर पर बनाई हुई दवाएं यूज करते थे, जैसे सिद्धा, यूनानी, आयुर्वेदिक, इस तरीके के प्रिस्क्रिप्शन हुआ करते थे। लेकिन उनका कोई मानक नहीं था, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, सब अपने मन मर्जी अपना काम किया करते थे। तो ये प्रक्रिया चलती थी हमारी 1800 से पहले। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने क्या किया, देखा भारत में इस तरीके की अपने मनमर्जी चीजें चल रही थी, तो उन्होंने इसको रेगुलेट करने का प्रयास किया और शुरुआत की फार्मेसी लेजिस्लेशन। फार्मेसी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमारे जो दवाइयां यूज हो रही थी उनमें क्विनीन, मिलावट इस कदर बढ़ गई थी कि इसका कोई मानक ही नहीं था। कोई मिलावट के नाम पर सिर्फ हमें चौक या कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर दे देते थे, पाउडर ये क्या करते थे, ये मॉर्फिन कहके मार्केट में बेच देते थे और लोगों को पता नहीं होता था, ना ही कोई रेगुलेटिंग बॉडी थी जो ये बता सके कि ये मॉर्फिन ओरिजिनल है या फर्जी है या इसके यूज से क्या नुकसान है, क्या फायदे है, इसका कोई रेगुलेशन नहीं था और इसको बेचने वालों पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो इसको करने के लिए क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने क्या किया, नए फार्मेसी रजिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर तैयार किया। पहले के लेक्चर में हमने बताया है कि कैसे किसी तरीके का लेजिस्लेशन या कानून नियम में आता है। स्टैंडर्ड टेक्निक होती है, एक कमेटी बनाई जाती है, वो क्या करती है, कुछ रिकमेंडेशन देती है रिसर्च करने के बाद, इन रिकमेंडेशंस के थ्रू कोई नया एक्ट, बिल या कॉमनली कहें तो स्टेट क्यू बनाती है या लॉ बनाती है। तो ऐसे में भारत सरकार ने, जो कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई, इससे बोला कि आप इन सब चीजों के जो बैड प्रैक्टिसेस हैं इन्हें रोकने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए और तब करके हमें बताएं कि हम क्या करें इसके लिए। इस कमेटी के बनने से पहले हम नजर डालेंगे कि पहले वो क्या रहा। 1811 में फर्स्ट केमिस्ट शॉप होती है, जब खोली जाती है मिस्टर
सारे प्रयास इंडिविजुअली चल रहे थे, एक एक के द्वारा किए जा रहे थे, गवर्नमेंट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। इन लोगों के द्वारा इस तरीके की फैक्ट्रियां खोलने के बाद लोगों का ध्यान इस पर गया कि हम कैसे इंडस्ट्री लेवल पर चीजों को बना सकते हैं और उनसे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इन चीजों को देखने के बाद लोगों के अंदर यह आया कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए और उन्होंने एडल्ट वेजर एडल्ट्रेशन के इंक्रीज होने से लोगों की बहुत तेजी से दवाओं को खाके मौत होने लगी, लेकिन उन लोगों को ना ही पकड़ने का कोई नियम था, ना ही उनको कोई सजा देने का नियम था, ना हमारे पास कोई ऐसी नियमावली थी कि जिससे सारे लोग एक तरीके से दवा बना सके या उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या नहीं था, लॉ नहीं था। और जो लॉ था भी वो किसके लिए था, ओपियम के लिए, पर कल्टीवेशन कलेक्शन प्रोसेसिंग पर इस पर कोई नियम नहीं था और ना ही डोज थे। अपने मन से लोग जिस तरीके से चाह रहे थे डोज बना रहे थे, जिस तरीके से चाह बना रहे थे, और इससे बहुत से लोगों का शारीरिक और मानसिक क्षति हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके गवर्नर जनरल ने कुछ लोगों के द्वारा मिलाकर एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी को क्या बोला गया, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। सब हमारी प्रक्रिया कब तक चलती रही, 1930 तक, एडल्ट्रेशन वाली। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया जो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया
बेटी वाला ही, इसको बोला गया रन इंक्वायरी कमेटी। इसको काम क्या दिया गया था? इसको काम ये दिया गया था कि आप ये पता लगाइए कि कितने तरीके के एडल्ट्रेशन चल रहे हैं, क्या क्या माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, और किस तरीके से हम कौन से नियम बनाए जिससे ये बंद हो सके, इनके कठोर कार्रवाई की जा सके और भारत में एक सुविधाजनक लॉ बनाया जा सके जो इन बनाने वाली कम्युनिटी को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, रेगुलेट कर सके। इसलिए इस कमेटी को 1931 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी नाम से बनाया गया। इसको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल आर एन शोभा। इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी काम करना स्टार्ट करती है। इस कमेटी के द्वारा 3 से 4 साल तक रिसर्च की जाती है कि क्या क्या कमियां हैं और हम क्या क्या इसके लिए नए नए नियम बना सकते हैं। इन लोगों ने क्या किया, 3 से 4 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद 1934 में बारिशों में कुछ नियम कायदे कानून बताए जाते हैं कि हम इस पर काम करेंगे या गवर्नमेंट ये चीजें बनाए तो इन चीजों को अच्छे से रेगुलेट किया जा सकता है, संभाला जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। लोगों ने मिलकर जो कमेटी बनाई थी चोपड़ा जी ने, उन्होंने क्या बताया 90 अलग अलग तरीके की बातें बताई कि क्या क्या किया जाए तो हम फार्मेसी रजिस्ट्रेशन इंडिया में स्थापित कर सकते हैं और इन सब चीजों को अलग अलग जो चल रही है उन्हें मैनुअलाइज और रिकॉग्नाइज रूप में लागू कर सकते। इनकी मेन मेन 3 रिकमेंडेशन थी। फर्स्ट रिकमेंडेशन थी इनकी, पहली रिकमेंडेशन इनकी क्या थी, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑफ स्टेट बनाई जाए, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। और क्या बने, एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल को बनाया जाए जो क्या करेगी, काम क्या होंगे,
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लोग, टीचिंग यूनिट के लोग और वो जितने भी लोग फार्मेसी से रिलेटेड है या कनेक्टेड है उनको क्या करेंगी, एजुकेट करेंगी, ट्रेन करेंगी, रजिस्टर्ड करेंगी। ये इनकी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन। और रिकॉर्ड कीपिंग करेगी, रिकॉर्ड कीपिंग कि कितने फार्मासिस्ट या कितने फार्मेसी प्रोफेशनल्स हमारे स्टेट में अवेलेबल है, स्टेट रिपोर्ट करेगा सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को, ये बताएगा सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल हमारे पास स्टेट में इतने फार्मेसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड है और उनका एड्रेस, उनकी डिग्री, ये सब है। इसका एक डेटा मेंटेन किया जाएगा ताकि कोई गलत प्रैक्टिसेस या गलत तरीके से अपना फार्मेसी यूनिट यानी इंडस्ट्री या कॉलेज या उसको एजुकेट करने का कोई भी प्रोग्राम ना चला सके बिना रेगुलेशन। दूसरी रिकमेंडेशन क्या है, ये क्या है, ये मशीनरी क्या करेंगी, डिपार्टमेंटल कंट्रोल रखेगी। इनका काम क्या होगा, स्टेट में और सेंटर में जितने भी फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी क्रियाकलाप या काम हो रहे होंगे, एक्टिविटीज हो रही होंगी, उनको क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी। तीसरी रिकमेंडेशन थी मदद से क्या किया जाएगा, हम उन सबको चेक कर सकेंगे उनकी क्वालिटी, ये क्या बना रहे हैं और किस लेवल का बना रहे हैं। इनका काम रहेगा क्वालिटी कंट्रोल, ये क्या करेंगे, क्वालिटी पे कंट्रोल रखेंगे लैब के द्वारा, सैंपलिंग करेंगे, चेक करेंगे।
इंडिया में कोई भी चीज यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होती है, मैक्सिमम चीजें क्या होती है इंपोर्ट की जाती है, इसलिए ये क्या करेगा इंपोर्ट को रेगुलेट करेगा, फिर उन चीजों को इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में, फिर जब सेल की जाएगी सेल को भी रेगुलेट कौन करेगा, ड्रग एक्ट 1940। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक और कमेटी बनाती है जिसको बोलते हैं हेल्थ सर्वे, हेल्थ डेवलपमेंट कमेटी, इसका काम क्या होता है, ये बनती है आपकी 1943 में बनती है, इसके हेड रहते हैं चेयरमैन सर रिपोर्ट आने के बाद फार्मेसी एक्ट बनता है हमारा, रिकमेंडेशन के द्वारा बनाना स्टार्ट करते हैं 1945 से 48 तक इसे फ्रेम किया जाता है, फ्रेम करने के बाद हमारा ये एक्ट पास कब किया जाता है, ये एक्ट पास होता है 1948 में, किस नाम से, फार्मेसी एक्ट। इसको डिटेल में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, फिलहाल ये हिस्ट्री का पार्ट है, 1945 से 48 तक इसके सर्वे के बारे में चर्चा की जाती है, फिर 1948 में फार्मेसी एक्ट पास कर दिया जाता है, और इनके सिग्निफिकेंट फीचर्स कुछ हैं, इसको देखिए थोड़ा। नंबर 1 है, ये क्या बनाता है, कौन सी ट्यूशन काम, दूसरा काम प्रेस्क्राइब करता है, तीसरा रिक्वायर्ड एजुकेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशनल और रिक्वायरमेंट फॉर फार्मासिस्ट, तीसरा काम इसका है रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करेगा फार्मासिस्ट, चौथा काम मेंटेनेंस एंड डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर प्रोफेशनल,
क्या बोला जाता है
टॉपिक कवर किया, फाइलिंग कवर क्या किया, एंशिएंट इंडिया में फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस कवर की हमने एंशिएंट इंडिया। उसके बाद फिर मुस्लिम जो इंपीरियर थे या रूलर थे वो क्या कर रहे थे इंडिया में वो देखा। इनके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी तरह से फार्मेसी पर क्या किया, ट्रेन कर दिया। डिग्री फार्मेसी को एक स्ट्रक्चर दे दिया, कैसे दे दिया, कमेटी बनाई, उसकी रिकमेंडेशन आई, फिर उसे एक्ट बनाया, बिल बनाए, प्रोविजंस बनाए और पनिशमेंट दी। इन सबको करके इन्होंने क्या किया, हमारे एक फार्मेसी फील्ड को प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रदान कर दिया, जिसका कोई प्रॉपर शेप होगा, साइज होगा और उसे रेगुलेट करने का टेक्निक होगा, तरीका होगा, इस तरह से फ्रेम कर दिया। फ्रेम करने से क्या हुआ, कोई भी इस फ्रेम के बाहर नहीं जा सकता। जो इस फ्रेम के बाहर निकलेगा उसे कौन गवर्न करेगा, जो सारे एक्ट बनाए गए। तो ये आज का टॉपिक हमने कवर किया, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया, भारत में कैसे कैसे फार्मेसी को बदला गया। पहले एंशिएंट इंडिया था, फिर मुस्लिम, फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से स्ट्रक्चर प्रदान कर दिया हमारे फार्मेसी को, और अब ये फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी प्रैक्टिस कैसी दिखती है, ये कैसे बनी है, किसने बनाया, ब्रिटिशर्स। इस तरीके से हम अपने टॉपिक को आज वाइंड अप करते हैं और अगले टॉपिक पे हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर। आज की समरी हम देख लेंगे वाइंड अप से पहले। फार्मेसी एंशिएंट में, फिर फार्मेसी चेंज हुआ और द स्टॉप और रेगुलेट मैन प्रैक्टिसेस ये किसने किया, ये किया ब्रिटिशर्स ने, कब तक, 1948। इसके बाद 1950 के बाद कौन करता है इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कौन करेगा, प्रेसिडेंट, कोई भी रूल बनेगा, कोई भी बिल बनेगा या कोई भी एक्ट बनेगा किसके कंसेंट से आएगा, कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इनके कंसेंट से इंडिया में बनेगा। कब के बाद, 1948 के बाद, कब, जब 1950 में हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, उसके बाद से जितने भी बिल बनेंगे, जितने भी नियम कानून आएंगे फार्मेसी से रिलेटेड या किसी भी फील्ड से रिलेटेड, वो किसके द्वारा कवर होंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा। पहले कंसेंट लिया जाएगा, उसको गवर्नमेंट गवर्न कौन कराएगी, जुडिशरी,